नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलविज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस के टास्क होते रहते हैं। कभी आप गुस्सा होते हैं, कभी आप क्रोध आता है बिग बॉस के घर में, कभी आप चिढ़ जाते हैं, कभी कुछ। जब इतनी चीज़ें बिग बॉस के घर में होती है तो एक अभी हाल ही में रेटिंग लिस्ट निकली है। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में कौन कितना काम है, कौन कितना एंडोरेंस है, कौन कितना टास्क करता है, इन सब के बारे में तो हम जानते हैं आज कि राहुल वैद्य का इस आप कह सकते हैं रेटिंग में क्या रिजल्ट रहा है, उनको क्या क्या रेटिंग मिली है। राहुल वैद्य की अगर हम बात करें तो कामनेस के मामले में उन्हें मिला है 58 पॉइंट, यानी कि काम वो नहीं रहते, अगर आप उनको कुछ बोलेंगे तो वो आपको बढ़ के बोलेंगे, तो कामनेस में वो थोड़ा लो पॉइंट कर रहे हैं। एंडोरेंस की बात करें यानी कि कितना वो सहनशील है, अगर आप उनको धक्का देंगे, अगर आप उनको कुछ बोलेंगे, अगर आप कुछ उनको मारेंगे तो वो कितने एंडोरेंस रह सकते हैं, तो यहाँ पर उनको पॉइंट मिले हैं 94, यानी कि यहाँ पर वो बहुत ही ऊपर है। टास्क एबिलिटी की बात करें तो लगता है कि टास्क एबिलिटी में भी उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला है, 90 पॉइंट। स्पेशल टैलेंट, वो किसको लाफ कर सकते हैं, किसको स्माइल दे सकते हैं, या फिर जैसे सिंगिंग का उनके पास टैलेंट है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें उन्हें कितने पॉइंट मिलने चाहिए। वेल, इसी तरह से अगर हम देखें तो बिग बॉस के घर में और भी बाकी कंटेस्टेंट हैं, आपको क्या लगता है कि कितने वो काम रह सकते हैं, कितने वो टास्क एबिलिटी उनकी है, उनको आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे। ओवरऑल आपको क्या लगता है कि बिग बॉस 14 के घर में इन सभी पैरामीटर्स पे कौन अच्छा बैठेगा, कौन सबसे सही बैठेगा, अभिनव, रुबीना, जास्मीन, शार्दुल, जहान, कौन सही बैठेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी जितनी भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं, 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो चुकी हैं, जिसमें से बड़ा धमाका कर रहे हैं कहीं ना कहीं अली गोनी। वेल, आपको क्या कहना है इन सभी पैरामीटर्स के बारे में, और आपको क्या लगता है कि राहुल को जो पॉइंट्स मिले हैं क्या ये सही मिले हैं। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नैना सिंह के पॉइंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्दुल पंडित के पॉइंट्स। वेल, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।